हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वन क्लासेस फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक एनालिटिक थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सो so, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो लर्नर्स न्यू है इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियोस को देख सको और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो मैं वहां पर भी आपका रिप्लाई दे दूंगी ओके तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक से तो हमने बात करनी है एनालिटिक और क्रिटिकल थिंकिंग की ठीक है ये दो टाइप्स हैं थिंकिंग की बट उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि थिंकिंग क्या है सो पहले हम थिंकिंग के बारे में बात करेंगे उसके बाद हम एनालिटिक और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे सो शुरू करते हैं थिंकिंग से थिंकिंग जिसको आप हिंदी में चिंतन या फिर सोच भी कहते हो सो so, जो थिंकिंग है ये एक मेंटल प्रोसेस है ठीक है दैट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट और सोल्व अ प्रॉब्लम टू मेक डिसीजन और टू सीक अंडरस्टैंडिंग इट इज बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंसिस विच मीन्स कि जो थिंकिंग है वो एक मेंटल प्रोसेस है इसमें माइंड का यूज हुआ है क्योंकि आप कुछ भी सोचते हो अपने माइंड से ही सोचोगे और इस किस में हेल्प करती है जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फॉर्मुलेट करने में और उसके बाद उनको सोल्व करने में भी थिंकिंग हेल्प करती है अगर आप बच्चे को कोई प्रॉब्लम दोगे ठीक है कोई सिचुएशन दे रहे हो आप उसको बोलोगे कि आपने इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो वो कैसे करेगा वो थिंकिंग करेगा ठीक है उस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करके फिर वो सॉल्व करेगा एंड टू मेक डिसीजन और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम एक डिसीज़न लेंगे ठीक है और टू सीक अंडरस्टैंडिंग और हमने अंडरस्टैंड करना है जो भी हमें प्रॉब्लम दी गई है उसको एंड ऑल्सो थिंकिंग इज बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंसिस जो हमारे पास्ट पासपीरियंसिस क्या है हम उसका आइडिया लेकर भी प्रेजेंट में जो भी पॉइंट है उसका डिसीजन लेते हैं ठीक है सो दिस इज थिंकिंग अब थिंकिंग की दो डेफिनेशन देखेंगे हम पहले हम देखेंगे कागन एंड हैबरमन की डेफिनेशन सो अकॉर्डिंग टू कागन एंड हैबरमन थिंकिंग कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज मेंटल मैन्युपुलेशन ऑफ इमेज सिम्बल्स कॉन्सेप्ट रूल्स एंड अदर मेडिटेशनल यूनिट्स विच मीन्स कि थिंकिंग को इस तरह से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है कि ये मेंटल मैन्युपुलेशन है ठीक है मानसिक हेर फेर है किसकी इमेज की सिम्बल्स की कॉन्सेप्ट की रूल्स की, की और साथ में अदर मेडिटेशनल यूनिट्स यानी कि ध्यान इकाइयों की भी ये थिंकिंग सेकेंड डेफिनेशन है प्रोसेस दैट इनेबल सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग सिम्बोलिक रिप्रजेंटेश एंड इवेंट्स की so, कि जो थिंकिंग है वो उस तरह का प्रोसेस है जिससे हम सोल्यूशन ढूंढते हैं ठीक है थेके? उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते हैं जो हमारे सामने आती हैं बाई यूजिंग सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुल्ड इवेंट्स की जो भी हमारे सामने स्टिमुल आते हैं स्टिमुल जैसे कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के जो हिंट आते हैं कहां से वो प्रॉब्लम आ रही है सो वो होते हैं स्टिमुल सो थिंकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस को ढूंढते हैं सो दिस इज सेकेंड डेफिनेशन अब हम चलते हैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पर जिसको आप हिंदी में कहते हैं आलोचनात्मक थिंकिंग So, जो शब्द है द टर्म क्रिटिकल डिराइव फ्रॉम वर्ड क्रिटिक क्रिटिक मीन टू राइट और टू गिव ओपिनियन और रिएक्शन टू सेट ऑफ आइडियाज अ वर्ड ऑफ आर्ट अ पीस ऑफ राइटिंग एक्सेट्रा विच मीन्स कि जो शब्द है क्रिटिकल वो डिराइव किया गया है एक शब्द क्रिटिक से सो so, उस क्रिटिक का मतलब है कि हमें अपनी ओपिनियन लिखनी है कुछ भी हो रहा है तो उस पर हमें अपनी ओपिनियन देनी है जजमेंट देनी है या फिर रिएक्शन देना है ठीक है जो भी आइडियाज हैं उन पर रिएक्शन देना है किसी वर्क ऑफ आर्ट है कोई उस पर हमें अपना रिएक्शन देना है उस पर हमें अपनी ओपिनियन देनी है या फिर कोई पीस ऑफ राइटिंग है जैसे कोई पोइट्री है तो उस पर हमें ओपिनियन या फिर अपना आइडिया देना है सो ये मतलब होता है क्रिटिक का ठीक है अब बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की ओके सो क्रिटिकल थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग और इवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन टू रीच एट आंसर और कंक्लूजन कि क्रिटिकल थिंकिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं उसका पता लगाते हैं फिर उसको इवेलुएट करते हैं ताकि हम किसी एक कंक्लूजन पर किसी एक आंसर तक पहुंच सकें नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ द एबिलिटी टू एनालाइज फैक्ट जनरेट ऑर्गेनाइज आइडियाज़ डिफरेंट ओपिनियन मेक कंपेरिजन इवेलुएट आर्ग्यूमेंट एंड सॉल्व प्रॉब्लम विच मीन्स कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो एबिलिटी है किसी भी इंडिविजुअल की कि वो एनालाइज कर सके फैक्ट्स को आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर सके जो भी आइडिया सामने आ रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सके जो भी अलग अलग ओपिनियन आ रही हैं उन आइडियाज पर ठीक है उनके बीच में एक कंपैरिजन कर सके और फिर उस कंपैरिजन के बाद जो पूरी प्रॉब्लम है उसको इवेलुएट करके उसको सॉल्व कर सके सो दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग अब इसके कुछ और पॉइंट और साथ में बाद में डेफिनेशन भी देखेंगे हम सो क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स मेकिंग रीजनड जजमेंट ठीक है जो भी हम जजमेंट दे रहे हैं जो भी हम अपने आइडियाज दे रहे हैं वो रीजन हो उनका कोई रीजन हो ठीक है दैट आर लॉजिकल वो लॉजिकल भी हो एंड वेल थॉट आउट उनके बारे में गहन चिंतन किया गया हो ठीक so है सो दिस इज़ क्रिटिकल थिंकिंग एक डेफिनेशन है नेशनल काउंसिल ऑफ एक्सीलेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग डिफाइंस क्रिटिकल थिंकिंग एज द इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन प्रोसेस ऑफ एक्टिवली एंड स्किलफुली कंसेपचुलाइजिंग

स्किल होगा क्रिटिकल थिंकिंग करने का वही कर पाएगा हर कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाएगा हमें ये स्किल डेवलप करने पड़ते हैं कौन कौन से स्किल हमें अप्लाई करना पड़ता है कंसेप्टलाइजिंग करनी पड़ती है एनालाइज करना पड़ता है सिंथेसाइज करना पड़ता है और फिर हम इवेल्युएट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को जो हमें मिली है ऑब्जर्वेशन से ठीक है या फिर कोई भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है उससे हमें वो इंफॉर्मेशन मिली है सो दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू नेशनल ऑफ एक्सीन क्रिटिकल थिंकिंग टू बेयर क्रिटिकलिंग आइडियाज शुड बी रीजन वेल थॉट आउट एंड जस्ट की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसका मतलब ये होता है कि हमने बिल्कुल क्लियर रीजन जजमेंट देनी है ठीक है किसी भी प्रॉब्लम पर किसी भी सिचुएशन पर ठीक है एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग के समय जो भी हमारे आइडियाज होने चाहिए वो शुड बी रीजन उनका कोई रीजन हो वेल थॉट आउट हो वो बिल्कुल अच्छी तरह से सोचे समझे हो और वेल well जज्ड हो ठीक है सो ये टू डेफिनेशंस थी इनसे आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में क्रिटिकल थिंकिंग क्या है अब जो भी पर्सन क्रिटिकल थिंकर है उसमें कुछ स्किल्स होने चाहिए या फिर क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कुछ स्किल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं ठीक है सो so यहाँ पर एट स्किल्स हैं जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करें फर्स्ट स्किल है ऑब्जर्वेशन का यानी कि ऑब्जर्व करना आना चाहिए जो हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं तो हम ऑब्जर्व करें उस सिचुएशन को जो भी हमारे सामने है उस प्रॉब्लम को हम ऑब्जर्व करें फर्स्ट पॉइंट सेकेंड है रीजनिंग हम रीजनिंग लगा पाए कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है ठीक है थर्ड इज एनालिसिस हम एनालाइज कर पा रहे हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पर हो रही है उसके बाद इवेलुएटिंग हम इवेल्युएट कर पाएँ ठीक है जितनी भी सिचुएशन हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप इवेलुएट कर पाएँ ठीक है नेक्स्ट इज कॉम्युनिकेशन कॉम्युनिकेशन भी एक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है कि कॉम्युनिकेशन करना आना चाहिए जो कॉम्युनिकेशन एबिलिटी है वो भी डेवलप हो किसी इंडिविजुअल की नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन की जो कैपेबिलिटी है वो भी इंडिविजुअल में होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग क्योंकि हमने सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज मस्ट एट इज डिसीजन मेकिंग हमने पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करके एंड में डिसीजन देना है ठीक है so सो इसलिए ये भी डिसीजन मेकिंग जो स्किल है वो भी इम्पोर्टेंट है सो दीज आर सम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स तो इनके बारे में आप यहाँ पर एक या दो 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 लाइन्स में लिख सकते हो अब हम बात करेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग ठीक है किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग कोई भी इंडिविजुअल है वो करता है सो so, इसके हम फाइव स्टेप्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है जो भी हमारे सामने सिचुएशन है उससे हमें प्रॉब्लम को ढूंढना है उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है दिस इज फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप है एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट आइडियाज हमें उस प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है ठीक है उसको एक्सप्लोर करना है उस प्रॉब्लम को और साथ में हमें आइडियाज़ भी क्रिएट करने हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं ठीक है थीके? हमें आइडियाज़ क्रिएट करने हैं और थर्ड स्टेप में क्या होता है उन आइडियाज़ से हमें बेस्ट आइडिया एक सिलेक्ट करना है कि कौन सा आइडिया है जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है सो थर्ड स्टेप में हमने एक बेस्ट आइडिया सेलेक्ट कर लिया और फोर्थ स्टेप है बिल्ड एंड टेस्ट आइडिया हमने उस आइडिया को अप्लाई कर देना है ठीक है और टेस्ट करना है कि क्या वो आइडिया वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है ठीक है और फिफ्थ स्टेप में हमें इवेलुएट करना है रिजल्ट्स को उस आइडिया को अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स आए हमें उसको इवेलुएट करना है ठीक है और यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सो दिस इज फर्स्ट स्टेप इवेल्युएशन करने के बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो हम फिर से फर्स्ट स्टेप की ओर चलेंगे और ये राउंड प्रोसेस है ये इसी तरह से चलता रहेगा जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी तब तक सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग अब क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में एंड में एक और पॉइंट है कि क्रिटिकल थिंकिंग इन शॉर्ट

क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हमने बात कर ली अब हम चलेंगे अपनी एनालिटिकल थिंकिंग पर जिसको आप हिंदी में कहते हैं विशेषणात्मक चिंतन ठीक है? So, सो एक एक करके इसके पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट इज एनालिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व एन अप्रोच टू थिंकिंग दैट अलोज टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन सिंगल एंड मैनेजेबल कॉम्पोनेंट्स सो so, ये आपको याद रखना है कि जो एनालिटिकल थिंकिंग है वहां पर हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको हम छोटे छोटे या फिर सिंगल कॉम्पोनेंट्स में उसका ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हम इजिली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें सो दिस इज द मेन कैक्टरिस्टिक ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग नेक्स्ट पॉइंट है एनालिटिक थिंकिंग इज अ विजुअल थिंकिंग दैट गिव्स वन द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली एंड इफेक्टिवली ये एक विजुअल थिंकिंग है इसमें विजुअलाइज कर सकते हैं और उससे हमें एबिलिटी ये मिलती है कि हम प्रॉब्लम को जल्दी से और इफेक्टिवली सॉल्व कर सकें नेक्स्ट पॉइंट है एनालिटिकल थिंकिंग इज वेन इंडिविजुअल यूज एनालिसिस इन थिंकिंग प्रोसेस एंड इट फॉलोज अ साइंटिफिक अप्रोच विच मींस कि एनालिटिकल थिंकिंग तब इंडिविजुअल कर पाता है जब उसमें हैबिट डेवलप हो गई है कि उसने एनालिसिस करना है अपने थिंकिंग प्रोसेस में ठीक है वो डेली अपने थिंकिंग प्रोसेस में एनालिसिस करता है वो एनालाइज करता है सिचुएशंस को एंड इट फॉलोज साइंटिफिक अप्रोच को ये फॉलो करता है और ये लीनियर प्रोसेस है लीनियर प्रोसेस कैसे है ये हम आगे बात करेंगे और जैसे पीछे वाला था क्रिटिकल थिंकिंग वो एक राउंड प्रोसेस था हमने देखा ना प्रोसेस पूरा राउंड चल रहा था बट ये जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो लीनियर प्रोसेस है जिसका प्रोसेस भी हम आगे देखेंगे कुछ और पॉइंट्स है जिनको आप इसके करेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हो या फिर इसको आप पॉइंट वाइज करके भी ऐसे लिख सकते हो सो so, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है एनालिटिकल थिंकिंग इज द एबिलिटी टू स्क्रूटनाइज एंड ब्रेक डाउन फैक्ट्स एंड थॉट्स इन टू देर स्टैंड्स एंड वीकनेसेस कि जो एनालिटिकल थिंकिंग है हमने पहले भी बात की कि ये ब्रेक डाउन है प्रॉब्लम्स का या फिर जो भी फैक्ट्स हैं उनका ब्रेक डाउन है एंड थॉट्स का भी ब्रेक डाउन है इनटू किसमें उनकी स्ट्रेंथ्स में कि वो जो फैक्ट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं और उनकी वीकनेसेस क्या क्या हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल्ड स्टडी और एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट ये डिटेल स्टडी है ठीक है कुछ भी प्रॉब्लम है कोई भी सिचुएशन है उसकी डिटेल स्टडी है डिटेल एग्जामिनेशन है ताकि हम उसके बारे में और जान सकें ठीक है उसके हम और अंडरस्टैंड कर सकें नेक्स्ट पॉइंट है at a time solve one problem. कि ये जो है 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 इसमें हम एक time पर एक पर ही problem solve करते हैं इसलिए इसको linear process भी कहा जाता है. ठीक के है? समय हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या कॉज है कहाँ से ये प्रॉब्लम हो रही है ठीक है क्या रीजन है इसका और इफेक्ट पैटर्न क्या है इस प्रॉब्लम का ठीक है नेक्स्ट पॉइंट एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन एज अ गाइड टू बिलीव एंड एक्शन जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो एनालिसिस है किसका जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है या फिर हमने ऑब्जर्व किया है या हमारा पास एक्सपीरियंस है रीजनिंग से या फिर कम्युनिकेशन से ठीक है और ये एक गाइड की तरह काम करता है ताकि हमारे जो एक्शन है उस पर हम बिलीव कर सकें ठीक है सो दिस इज एनालिटिक थिंकिंग अब कुछ एनालिटिकल स्किल्स हैं फर्स्ट उसमें से स्किल है कम्युनिकेशन इंडिविजुअल कम्युनिकेट कर सके ठीक है वो अपने शब्दों को दूसरे तक रख सके कि कोई प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व करना है वो उसके बारे में बात कर सके ठीक है नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएटिविटी कि कोई इंडिविजुअल है वो एनालिटिकल थिंकिंग करता है तो उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए ठीक है उसमें क्रिएटिविटी का स्किल हो तभी वो एनालिटिकल थिंकिंग कर सकता है

हमें रिसर्च करना होता है उस प्रॉब्लम के बारे में उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है सो so, ये थे हमारे पास पांच एनालिटिकल स्किल्स अब क्या क्या वेज हैं जिससे एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो थे वो इम्प्रूव हो सकते हैं ठीक है फर्स्ट वे इज बी ऑब्जर्व कि हमें ऑब्जर्व करना है हमें प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करना है जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं जो भी सिचुएशन है हमें ऑब्जर्व करना आना चाहिए नेक्स्ट इज रीडिंग बुक्स हमें बुक्स को रीड करना चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज लर्न हाउ थिंग्स वर्क हमें ये भी सीखना है कि ये थिंग्स जो है हमारे सामने कुछ है वो किस तरह से काम कर रहा है कोई सिचुएशन है उसमें किस तरह से काम हो रहा है ठीक है नेक्स्ट इज पूछने चाहिए अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम क्वेश्चन पूछेंगे ये भी वे है नेक्स्ट इज प्ले ब्रेन गेम्स कुछ ब्रेन गेम्स होती है हमें वो भी प्ले करनी चाहिए वो भी खेलनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं कि कोई प्रॉब्लम है उसका हमें सोल्यूशन ढूंढना है फिर उसको सॉल्व करना है सो so, उन पर भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड थिंक अबाउट डिसीजन जो हमने डिसीजन लिया एंड में उसके बारे में भी हमें सोचना है ठीक है सो दीज आर सम वेज टू इम्प्रूव एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स अब आता है हमारा प्रोसेस ऑफ एनालिटिक थिंकिंग कि किस तरह से एनालिटिक थिंकिंग करता है कोई इंडिविजुअल ठीक है सो इसके एट स्टेप हैं इन एट स्टेप के बारे में हम अभी बात करेंगे इवेल्युएट द प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम के बारे में पता लगाना है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ठीक है सेकेंड स्टेप इज गैदर इन्फॉर्मेशन हमें उस प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है उसके कॉज क्या है वो कहाँ से प्रॉब्लम जनरेट हुई है क्या उसका रीजन है ठीक है और उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करना है ब्रेक प्रॉब्लम्स इनटू पार्ट्स ठीक है हमने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया प्रॉब्लम को फिर हम चलेंगे फोर्थ स्टेप पे फोर्थ स्टेप है आइडेंटिफाई सॉल्यूशन फिर हम उन जो प्रॉब्लम्स हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स किए हमने उसके सॉल्यूशंस को ढूंढना है ठीक है हमने ढूंढ लिया फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे हम जो भी हमने सॉल्यूशंस ढूंढे बहुत सारे उस एक प्रॉब्लम्स के उससे हम एक सॉल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे ठीक है हमने एक सॉल्यूशन को सिलेक्ट कर लिया सिक्स पॉइंट में हम सोल्यूशन को अप्लाई कर देंगे यानी कि टेक एक्शन हम उस सोल्यूशन को उस प्रॉब्लम पर अप्लाई कर देंगे ठीक है और सेवंथ स्टेप में क्या होगा हम देखेंगे कि हमने उस सोल्यूशन को अप्लाई कर दिया उसके बाद क्या रिजल्ट आया हम एग्जामिन करेंगे अपने रिजल्ट्स को ठीक है और लास्ट स्टेप में क्या होगा हम टेस्ट करेंगे कि किस तरह से उस रिजल्ट ने काम किया और रिव्यू करेंगे इस पूरे प्रोसेस को कि किस तरह से यह पूरा प्रोसेस हुआ क्या वो सही हुआ या फिर नहीं हुआ ठीक so, है सो दिस इज़ जो इस तरह की थिंकिंग करता है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं फर्स्ट पॉइंट ओपन माइंडेड वो जो भी इंडिविजुअल होता है वो ओपन माइंडेड होता है वो एक्सेप्ट करता है न्यू न्यू को नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनेस्ट विद

और क्वेश्चन पूछना यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन पूछ जाते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि कहाँ से आई कैसे आई ठीक है गैस का रीजन था दिस इज अ पॉइंट नेक्स्ट दे बेस द जजमेंट ऑन एविडेंस कि वो अपनी जजमेंट किसी एविडेंस के बेसिस पर देते हैं बिना एविडेंस के जजमेंट नहीं दी जाती है रिसर्च एंड इंक्वायरी स्किल होना चाहिए किसी भी क्रिटिकल या फिर एनालिटिकल थिंकर में वो रिसर्च कर पाए इंक्वायरी कर पाए उस प्रॉब्लम की नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल कम्युनिकेशन स्किल्स भी उस इंडिविजुअल के बैटर होने चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल वो फ्लेक्सिबल हो वो न्यू न्यू नॉलेज को गेन कर पाए नेक्स्ट इज क्लियर अबाउट इश्यूज जो भी इशूज़ हैं उनके बारे में वो क्लियर हो उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो ठीक है सो दीज आर द क्रैक्टिस्टिक्स ऑफ एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग सो गाइज यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर दीजिए मैं वहाँ पर भी आपका रिप्लाई दे दूंगी सो दैट सोल फॉर नाउ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मॉडल ऑफ टीचिंग की तो तब, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर